10 दिन लद्दाख में घूमने के बाद अभी अपना रिटर्न ट्रिप चालू। कल दुर्बुक में ही रुक गए, डाउट हो रहा था कि चांगला पास में वाटर क्रॉसिंग मिले ना मिले, तो डिसीजन ये लिया कि यहीं रुक जाते हैं और आज सुबह निकलेंगे यहाँ से चांगला। होपफुली वहाँ पानी ना मिले हमें ज़्यादा। ये अपना रूम, कल रात को कितना 8 बजे तक के आसपास रूम का जुगाड़ हो गया था हमारा, और रूम से कुछ व्यू इस तरह अपना। चलो रिटर्न ट्रिप चालू करते हैं। यहाँ से हम ले जाएंगे वहाँ से कारगिल, श्रीनगर और फिर पठानकोट होते हुए दिल्ली। प्लान तो इतना कर रखा है हमने अभी। बाइक को कोल्ड स्टार्ट देते हैं, सामान पैक करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। ये जगह का नाम था मोर होम स्टे। चलो फिर अपना रिटर्न जर्नी चालू करते हैं। यहाँ से ले है कुछ 100 किलोमीटर्स, चांगला क्रॉस करते फिर निकलते हैं। सो द राइड बिगिंस। चलो देन। ओहो दुर्बुक। अभी कल शाम को तंगस्ते में हमने पूछा कि वाटर फ्लो कैसा है चांगला, बोलते हैं चांगला क्रॉस करने के बाद है, कोई बोलता है दुर्बुक के बाद है। फिर अब वही 10 लोग 10 बातें कर रहे थे, क्लियर कुछ आइडिया पड़ा नहीं चांगला 30 किलोमीटर। तो मैंने उसको बोला भाई अगर चलना है तो चलो, रुकना है तो रुको। उसने बोला ठीक है भाई, अपना पहला वाटर क्रॉसिंग आ गया। अब शाम को इधर वाटर फ्लो ज़्यादा होता। तो वही डाउट था तो हमने बोला चलो यहीं रुक जाते हैं। अभी बना है लगता है ये वाला, हाँ नीचे काम तो चालू था कल रात को, 8 बजे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था इधर। टर्न्स बहुत भारी इधर का। ओ हो सोल तक 20, हाई हाई हाई। सुबह सुबह सर दुखने लग गया, पता नहीं क्या हो गया। हाँ चलो ये व्यू देख के अपना ज़रा हेल्थ ठीक करते हैं। ठंड पड़ रही है, दुर्बुक में इतना फील नहीं हो रहा था, अभी थोड़ा ऊपर आया तो लग रहा है यहाँ पे। सुबह सुबह फ्लो कम है, अपने मज़े। सुबह सुबह पैर गीला नहीं करना, मस्त नहा धो के निकले हम लोग। ओहो रोड तो बहुत नैरो ये वाले, ओवरटेकिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट चलो ट्रक वाले जगह दे देते हमें, तो सब आज इसे निकाल देने का। ओहो बर्फ के पास पहुंच गए। ओह इधर लग रही एकदम मजबूत ठंडी। गाड़ी तो थोड़ी बहुत स्ट्रगल कर रही है, गड़ा गड़ा गड़ करते हुए चौथे गियर पे आराम से निकल रही है। चलो आगे निकलते हैं बर्फ का नज़ारा देखते हुए। बोला ना राइड करते ही सर दर्द गायब हो गया मेरा, मैजिकल। ये खाली अभी मोबाइल टाइम देखने के काम ही आएगा, 8:48 हो गया। वो माउंटेन क्या लग रहा है उधर से, स्नो बोर्डिंग कर रहे थे क्या उधर से, डिजाइन बन रखा है। ओके लगता है चांगला पहुंच गए, तो कुछ ज़्यादा ही भारी सजा रखा है इसे। वर्ल्ड 10th हाईएस्ट मोटरेबल पास चांगला 17586। चलो गाड़ी वाड़ी लगाते हैं, फोटो वोटो खींचते हैं और निकलते हैं आगे। आई लव चांगलास 17688 फीट लॉन्गे वाला। चलो वहाँ से भी थोड़ा बहुत व्यू देखते हैं, तुम लोग सिनेमैटिक्स देखो।
चलो फिर चांगला पास को बाय बोलते हैं और ले के लिए निकलते हैं। हो मजबूत ठंडी हो रही थी इधर। चलो देन द राइड कंटिन्यूज। चांगला क्रॉस करने के बाद टूवर्ड्स ले अपना पहलू वाटर क्रॉसिंग। ओह थे मतलब एक दो, अब शाम को फ्लो का पता नहीं चलेगा। अच्छा रुक गए हम लोग, ठंड भी बड़ी खतरनाक सी हो रही है इधर। हुई 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 और ट्रक पलट रखा है उधर। एवलांच प्रोन एरिया स्टार्ट्स बॉय, एवलांच भाई। जल्दी जल्दी क्रॉस करके निकलते हैं फिर पथरीले पहाड़ों को। अब तो ये छोटे मोटे पैचेस ऑफ रोड लगते ही नहीं है, इनको तो मैं खराब रोड बोल ही नहीं सकता अभी। हाँ मेरे को जितने भी लोग मिले हैं सबको यही बोला मैंने कि जब भी लद्दाख आओ सबसे पहले स्पीति का सर्किट कर लेना, लद्दाख आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, तुम्हें कोई रोड चैलेंजिंग लगेगा ही नहीं उसके बाद। बाकी मैं नूबरा और संस्कार भी है लेकिन थोड़ा अंदर की तरफ पड़ जाते हैं। स्पीति क्या है, मनाली के बाहर से निकलो सीधा या फिर शिमला। वो रोड भी तो क्या भारी लग रहा है ना, एकदम जिग जैग एकदम नीचे जाने के लिए। वहीं से नीचे पहुँचना अपने को आराम से। ओके इधर काम चालू है रोड बनाने का, चांगला के बाद तो मस्त है, उसके बाद मस्त सिंगल लेन बना रखा है। इधर अपना ऑफ रोड चालू। कल रात दुर्मुख में आरी का मोबाइल सर्विस मिला, उनको बोला चेक करो भाई साहब क्या बोलते हैं यार, अब सुबह से ना खाली गाड़ियाँ यहाँ पे आ ही रही हैं, लंच तक नहीं किया, चक्कर आ रहे हैं। मतलब भाई साहब बोलता सुबह से, हाँ बोलता एक गाड़ी जाती नहीं कि दूसरी गाड़ी ले आते हैं। वो तो पैक करना था 6 बजे, हम 7:30 हो गए यहाँ पे काम ही कर रहे हैं। मतलब यार खाना वाना तो खा लिया करो, बोलते टाइम ही नहीं मिल पाता। इसकी गाड़ी का इंजन चेक लेट आया, उन्होंने बोला काम करो ले में ही दिखा दो बेस्ट रहेगा। अरे भाई साहब रॉयल एनफील्ड का अच्छा है, पंग में भी दिखा था दुर्ग में भी है यार, लेकिन बंदों की हालत ख़राब हो जाती है बेचारे, बोल रहे चक्कर वक्कर आने लग गया है। फिर हमने बात बात की, फिर बोला जाओ यार आराम से घर निकलो तुम, बोलते बाजू में होटल है। ओला कंपनी ने दे रखा है, बस खाना वाना खाएंगे। मेरा ठीक है भाई, हम ले में ही जाके इसका कराते बाइक का काम। अब थोड़ा वेदर नॉर्मल सा हुआ, शक्ति 3 किलोमीटर दिखते हैं वहाँ पे अपना कुछ ब्रेकफास्ट का करते हैं। ओ ये माउंटेन का तो क्या सीन दिख रहा है यार, एक नंबर। ऊपर एक मॉनेस्ट्री भी है बीच में, अगर दिख रहा है क्या, नॉइस वेरी 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 नॉइस। ऑलमोस्ट नीचे टॉफी खा रहा हूँ, ऑलमोस्ट नीचे पहुँच गए। ओहो ये है क्या शक्ति, ये ऊपर से तो क्या लग रहा था ना माउंटेन्स चांगला के पास से। हो चलो पेट्रोल भी सोच रहे हैं ले में ही भरवाएं। प्राइड ऑफ लद्दाख, क्या कर रहा है आदमी, नशे। रूट 10 ले 45 मनाली 450 खारगिल 280। थोड़ा अंदर चलेगी या पहली जगह देखिए वहीं लगा दे गाड़ी, थोड़ा अंदर चले। ओके पागल पागल होगा क्या, गाड़ी कैसे घुमा रहे, वो येड़ा तेरे अंदर ही घुसा रहा है।
वही चांगला क्रॉस करते हुए थोड़ी बहुत ठंडी लगी अपने मीटियोर वाले को, थोड़ी नींद आने लग गई। मतलब भाई गाड़ी लगा थोड़ा स्ट्रेच कर ले, एक बार चांगला क्रॉस करे फिर जहाँ जगह मेरी वहाँ गाड़ी रोके थोड़ा कुछ करते, नाश्ता वास्ता। अब थोड़ा प्रॉपर लग रहा है इसको भी। बस जब ले जा रहा था ना यहाँ पे तो क्या ट्रैफिक लगा हुआ था। शे पहुँच गए, शे पैलेस, और बहुत ट्रैफिक था, फुल पब्लिक इधर। कम से कम 30-40 गाड़ी तो रहेगी रहेगी यहाँ पे, अच्छा खासा जैम लगा के फुल टाइम पास चालू था। ले 14, चलो इधर कुछ टाइम पास का शॉपिंग कर लिया है। अब मैप फॉलो करते हैं, मैप अभी सिटी के बाहर से निकाल रहा है, अपने लिए अच्छा है, वरना अंदर घुसो अंदर से घुमाओ। क्या नाम है उसका, स्पितुक रोड। यार गर्मी इतनी हो रही है ना, कोल्ड ड्रिंक का मन कर रहा है, एक थम्स अप पिएगा, ये टर्न मार के फिर निकलता है आगे। फुल ऑटो कट तक छोड़ देना, वाह मेरे में कितना जाएगा वो देखते हैं अभी। जाएगा 900 कितना है ये, 101 ना, लास्ट कितना 60 डलवाया था ना, तेरे में ज़्यादा गिरा था, वो टैंकी तेरे में खाली गया था पूरा, 9 गया ना इसका, 12 लीटर। 9 पॉइंट। ओहो ये मीटर का क्या दिक्कत है पता नहीं चल रहा, अभी मिसिंग करने लग गई। हर दिन एक नया नया इशू देती है गाड़ी ये वाली। उसको लगा पेट्रोल नहीं है, गाड़ी में हाफ टैंक दिखा रहा था, 7 लीटर भरा। चलो अपना टर्न लेते हैं और यहाँ से कारगिल के लिए निकलते हैं। फू 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 फू, सुबह जल्दी निकल के भी लेट ही हो रहे हम लोग। क्या हो रहा है ये हमारे साथ, श्रीनगर का प्लान तो लग नहीं रहा, अब देखते कारगिल या उसके आगे कहीं हुआ तो। लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के, जब गाड़ी चल नहीं रही थी हमने रोकी रखी थी तो एक अंकल थे बाजू में, बोलते अरे मेरे को भी 25 साल हो गए बुलेट चलाया है, गर्म तो होगी नहीं थी जल्दी। बोलते एक बंदा है वो भी 10-12 साल हो गया उसको बाइक रिपेयर कर करके, बोलते उसको दिखाना तो दिखा दो, इसने बोला नहीं वो तो कारगिल में कुछ करेगा। मतलब तेरा कॉल है, मतलब बीच में कुछ दिक्कत है, मैं तो सीधा बोला कि आ रही के शोरूम में दिखा दे, शोरूम बोल रहा सर्विस सेंटर पे, बोलता नहीं आगे देखते हैं डिस्टेंस कवर करना है। अरे ठीक है भाई, ओके 246 हो गया है। अभी हम लोग है NH1 श्रीनगर लद्दाख रोड। हो 42 ले, यहाँ से कितना दूर है, 104 किलोमीटर, 2 घंटे दिखा रहा है। अभी बोल तो रहे कि रोड ऐसे ही मक्खन है। एक मक्खन घाट चालू लगता है। ये हाईवे पे भी सीन है बहुत सारे। अरे वो गाड़ी में कुछ लगता है भारी ही दिक्कत आ गई, मैं बोला ले में दिखा दे, बोलता गाड़ी पावर नहीं दे रही। अरे 1 साल पुरानी गाड़ी कितना नखरा करेगी रे तू। मैं बोला अभी देख ले भाई, ले पीछे जा सकते हैं या तो फिर कारगिल आगे जा सकते हैं, बोलता कारगिल जाएंगे। मैं अलग कर लो यार जो करना है, हम हैं साथ में झेल लेंगे सब कुछ। ओहो 3 बज गए, गर्मी थोड़ी सी है। ये क्या चल रहा है इधर, गाड़ियाँ हाईवे के बीच में रोक के वेड़गम खेल रहे हैं। जोजिला 200, श्रीनगर 400, फोटूला 106।
लेट्स गो। निम्मू 2 किलोमीटर। अच्छा, इसका नाम निम्मू है। अपना भी सही चल रहा है, पहले जो पूरा एरिया घूम लेंगे फिर घर जाके सर्च करूँगा ये वाला प्लेस कौन सा था, वो वाला प्लेस कौन सा था। या भारी बनाया हुआ है ना अपना। अपील चालू है इधर, एक और मोनेस्ट्री आगे। ओहो, छोटा सा घाट चढ़ने के बाद। ओहो, डोनेट ब्लड नॉट ऑन द रोड्स। बहुत मजा आ रहा है यार ये 10 दिन का ट्रिप। अब बस खत्म होने में 1-2 दिन और है, तब तक ऐसा फुल एंजॉय करते हुए जाएंगे। इसलिए मैंने बोला वापसी में काहे को मनाली जाए, फिर से बोर लगेगा, पहले कारगिल श्रीनगर करो यार, थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ा रहे। सस्पो 11 यार, हर एक टर्न पे ना बोल के मैं थका नहीं एक बार भी। नया ही व्यू है। स्पीड स्लो, लेट्स गो। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार माउंटेन रेंजेस। मेरे मैप को क्या नशे हो गए, उल्टे उल्टे काम बता रहा है मेरा बंदा। हाँ, पीछे ही है। आई आई आई, मेरे पीछे लगता है टैक्सी का पूरा कॉन्वॉय है। अकेले रहते तो ओवरटेक कर लिए होते लगता है, सब साथ में जा रहे हैं। अच्छा, डाउन हिल चालू हो गया इधर का। नाइस। अपना बंदा किधर है? स्लो रख भाई, स्लो रख। आई 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 आई, एक्सीडेंट्स डू नॉट हैपन, दे आर कॉस्ट। क्या बात है, भारी थिंकिंग कर करके लिखे गए कोट्स। अपना भाई इतना स्लो क्यों जा रहा है? 1, 2, 3, 4, 5 सारी गाड़ी एक साथ, कोई ओवरटेक कर ही नहीं रहा उसने। लीडर बन गया मेरा दोस्त। बहुत भारी है यार। बस अब थोड़ी थोड़ी ना गर्मी लगने, नूर दुर्बुक से लेके यहाँ तक एकदम मक्खन रोड, और क्या ही व्यू। अभी थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक पानी का ब्रेक लिया है, गाड़ी आ रही है उसको ज़रा साइड दे देते हैं, ओवरटेक कर लेगा वो प्यार से। बस हम तो धीरे धीरे जाएंगे। इतने प्यारे रोड, इतना प्यारा व्यू यहाँ का। एडिट में क्या रखूँ क्या उड़ाऊँ समझ में नहीं आने वाला मुझे। चल बात की बात बाद में, अभी मस्त इंजॉय करने का। हो गया हो गया, गाड़ी फटक से स्लो कर देता ये भी। बोल रहा चल नहीं तो लेट हो जाएंगे। इसका पीछे का टायर ही निकाल दूंगा गाड़ी का, देखता जाता कैसे। ओहो, अभी कुछ भारी वाला एक और सीन चालू। ये वाला अच्छा किया कि पहले हम मनाली से गए, जो मेजर वाले पासेस थे वो कवर किए, और जब रिटर्न ट्रिप मार रहे हैं तो एकदम मस्त हाईवे पे आ रहे हैं आराम से। खूब आराम आराम से जाएंगे, फिर वही बात है सेम रूट वापस करने का क्या ही मतलब है। ओहो, BRO ब्रो वेलकम्स यू, थैंक यू ब्रो। इतना मस्त रोड ना ये वाला, गोप्रो बंद करने का मन ही नहीं कर रहा। एक मोनेस्ट्री भी नीचे है राइट की तरफ, चलो ऊपर चढ़ के ही देखेंगे। यही तो मस्त पार्ट है, बिना कुछ रिसर्च किए, बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी चलाते रहो और नई नई जगह एक्सप्लोर करते रहो अपने लिए। बाकी सबने तो कर ही लिया होगा, हमारे लिए तो फर्स्ट टाइम ही है। सन डायरेक्टली मुंह पे पड़ रहा है। पूरी बाबा, हाँ लामा यूरू पहुँच गए हम लोग। ये क्या मस्त विलेज है,
यहाँ से शायद से अपना घाट सेक्शन चालू होएगा, डबल घाट फू 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 फू, वो माउंटेन तो क्या लग रहा है, ऐसे लग रहा है उसने मास्क पहन रखा है मेरी तरह। मेरे को मेरे सनग्लासेस निकाल लेने चाहिए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना भी कोई इशू नहीं अपने को। बेल्ट लामा यूरी ऑल्टीट्यूड 12,680, अरे पिजन भाई साहब हटो 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 हटो, इस माउंटेन का असली घाट सेक्शन आ गया। ओए खराब हो गया रोड, क्या दिख रहा है ना, ये एकदम उधर से उधर एकदम टॉप तक गाड़ी लगा रखे हैं लोग, ऐसा जिग 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 टॉप। चलो फिर पहुंचते हैं। वॉट लक, गाड़ी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ही बैटरी ख़त्म हो गई, अभी चेंज कर लिया। पहुँच गए हाईएस्ट पॉइंट ऑफ श्रीनगर ले रोड, 13,479 feet। फोटो ला, चलो हम भी कुछ फ़ोटो वोटो लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं। फ़ोटो ला टॉप, बाइक के साथ फ़ोटो आ गई। ओ बहुत तेज़ आवाज़ चल रही है यहाँ पे। चलो वो लोग तो निकल गए, मैं भी निकलता हूँ यहाँ से। इसका डाउन हिल भी मस्त एकदम, यहाँ से रोड दिख रहा है मुझे मजबूत। नमिका ला यहाँ से 35 किलोमीटर्स, आई थिंक आज नमिका ला ही कर पाएंगे। कारगिल मेरे को मुश्किल लग रहा है, 640 हो चुका है। फू। चलो उसके बाद जहाँ जगह मिले वहाँ रुक जाएंगे हम, फिर कल सुबह जोजीला जाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, बर्फ़ के गोले खाएंगे। उधर दिखा मेरे को एक स्नोई माउंटेन, यहाँ खाली हवा चले ठंडी इतनी नहीं है। चलो अपने लिए अच्छा है। अब डाउट हो रहा है सन डायरेक्टली लेंस पे गिर रहा है तो ग्लेयर बड़ा तो नहीं आ रहा होगा, इसलिए डाउन हिल ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगा मैं इसका। चलो जो भी थोड़ा बहुत आएगा देख लेंगे। वो माउंटेन तो क्या दिख रहा है, ओए हई ओए हई, इतने सारे माउंटेन्स देख लिए मैंने, इतने सारे माउंटेन्स कि पूरे 3 महीने का कोटा ख़त्म हो गया। अब ना ऐसे प्लेन रोड से मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा ऑफ रोड ही हो, गाड़ी ज़रा धड़ धड़ करते हुए चले। अभी ऑफ रोडर है नहीं बाइक, बट फिर भी इसको खींच लिया हमने काफ़ी दूर काफ़ी ज़्यादा। चलो अभी सर्विसिंग का भी टाइम आ गया इसका। ये मियाँ मेरे को ओवरटेक किया, ओ इधर ट्रक जब पास होते ना डीजल की बहुत तगड़ी स्मेल आती है उनमें से। ए डंकी डंकी गैंग, डंकी गैंग को डराता है ये। इतना बड़ा बड़ा इधर है पहाड़, ओहो। इसका डाउनहिल भी बहुत सही है, पूरी बाबा ब्रिज के नीचे से, ओहो द माइटी माउंटेन, क्या दिख रहा ना।
अच्छा पानी के लिए रास्ता ही बना रखा है। फटाफट मल्टीटास्किंग हो रहा है अपना, मतलब माउंटेन भी देखना है, रोड भी देखना है, मैप भी देखना है। मैप तो क्या ही देखना है, रोड ही फॉलो करना है। दूर दूर है घर, हमें तो पता ही नहीं हम घर कब पहुंचेंगे। आज हो गया क्या है, 4 तारीख, हाँ 4 ही है। घर से निकले तो घर के बारे में भूल ही गए। सात 20 हो गए, चलो देखते हैं क्या है। गाड़ी के चक्कर में 1-2 घंटा वेस्ट हो गया, वरना कारगिल लगा देते हम लोग आज। मिसिंग की सोचा, पेट्रोल नहीं है, फिर वो गाड़ी को धक्का मारने लग गया, वरना रुक जा चालू करके देख क्या सीन है। नमिका ला का आई थिंक अफिल चालू हो रहा है, थोड़े बहुत ट्विस्टेस देख रहा हूँ मैं। ओहो इतना बड़ा गड्ढा रोड पे, मूल बक प्रेजेंटेशन राइट है। कारगिल 60, अगर रात को ट्राई करे ड्राइव कर रहे का, हाँ डिसीजन उसके हाथ में। आई एम अप फॉर एनीथिंग। आई 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 नीचे से रोड ही गायब। यहाँ देखा मैंने अभी कुछ खराब रोड्स, अपना अपील चालू। किधर है भाई अपना नमिका ला? इसमें बहुत कम ट्विस्टस है, बट ठीक है जल्दी पहुंच जाएंगे। मेरा मैप पता नहीं क्या गिवडे गेम खेल रहा है। नमिका ला 3 पहुंच गए लगता है, 3 किलोमीटर। ओहो माउंटेन्स का लग रहा ना, शाम के टाइम में पूरा ब्लू हो गया है। सन को चेस करते जा रहे हैं हम। नमिकला नमिकला नमिक नमिक नमिकला। सुबह से ऐसे ही घाट पे घूम रहा हूँ लेकिन अभी तक बोर नहीं हुआ भाई साहब। क्या मज़ा आ रहा है ना, हर एक पॉइंट पे नए नए ट्विस्टेस देखने में। फू फू फू। अब वेदर थोड़ा नॉर्मल हो गया है, वरना ठंडा ठंडा हो जाता था। ले मतलब अपना किधर, आई आई बस ऑलमोस्ट सनसेट। कितना दिखा रहा, 34, टाइम गलत बता रहा है, अभी 32 हो गया ना, 10 मिनट और लगेगा पहुँचने में। चलो देखते हैं। ओहो स्काई का कलर चेंज हो गया है, क्या लग रहा है ना ये। और टॉप में कुछ भारी व्यू दिखेगा, वो भी पहुँच गया मेरे पीछे ही है। मैप टाइम गलत क्यों दिखा रहा है मुझे, मैप के नशे ही। ऑलमोस्ट पहुंच ही गए, और वो भी डे लाइट रहते रहते। माउंटेन्स आर प्लेजर, यू ड्राइव विथ लेजर। नमिकला नमिकला, शॉर्टकट मारेगा नमिकला। ओहो मुझे लगा हम ही अकेले जो शाम को यहाँ गाड़ी चला रहे हैं, बाकी पब्लिक भी है। पहुँच गए नमिका ला, 12,198 feet, BRO 55 RRC। चलो फोटो खिंचवाते।
शाम का टाइम है तो क्या व्यू है इधर का। चलो कुछ फ़ोटो वोटो खींचते हैं फिर हम भी निकलते हैं कार के लिए जहाँ भी पहुँच सके। नमी का लाभी डन। चलो निकलते हैं यहाँ से, देखते हैं कारगिल यहाँ से दिखा रहा है 51 किलोमीटर्स। ये छोटू सा डाउन हिल करेंगे और निकलेंगे यहाँ से। ठंड बढ़ गई अभी। बाय बाय नमिकला पास, बाद में फिर कभी मिलेंगे। चलो देन। आठ बज गए, 8:15, 8:20 तक पूरा अंधेरा। अब ईटी कितना नौका दिखा तो रहा है ये। चलो थोड़ी आज नाइट राइडिंग हो जाए टिल कारगिल। इस घाट में रात के नज़ारे, ऐसे ओटे किया जाता है बिना पीछे से पैं 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 करते हुए। जगह मली निकालो, चलाने का तरीका आना चाहिए बस। ओके मैं क्या बोल रहा था, ऑलमोस्ट रात हो गई है, परफेक्ट टाइम में नमिका पहुंचे हम लोग, वरना अंधेरा होता तो फिर मज़ा नहीं आता। ओहो अब गोप्रो तो कैप्चर कर नहीं पाएगा, बट क्या व्यू दिख रहा है ना, माउंटेन के पीछे माउंटेन, वो भी कलर क्या मस्त दिख रहा है उसका।